हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल सॉल्यूशन पॉइंट। आज हम आपको दिखाते हैं, हमारे पास एक 5 स्तर का वॉशिंग मशीन का टाइमर है, कुछ इस तरह से। ये देखिए, इसके आपको हम वायरिंग बताएंगे, किस तरह से वायरिंग करनी है और किस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। पहले मैं आपको इसकी एक थ्योरी बताता हूँ छोटी सी, उसके बाद मैं आपको, देखिए हमारे पास मोटर भी है और एक 10 mH का कैपेसिटर भी है, इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल इसको करके दिखाऊंगा किस तरह से आप इसे कनेक्शन कर सकते हैं और मोटर के साथ अटैच करके किस तरह आसानी से मोटर को चला सकते हैं, नॉर्मल हैवी। और फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप इसकी थ्योरी को बताते हैं, थोड़ा सा किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो देखिए, ये कुछ आपका टाइमर है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, और ये जो दो पॉइंट्स हैं, ये इसकी नोब है, यानी कि सिलेक्टर करने के लिए। और ये इस टाइमर के पीछे एक मोटर होती है, ये आपको बॉक्स सा दिख रहा है, ये इसी टाइमर की मोटर है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 इसके अंदर 5 आपके पास वायरिंग होगी कुछ इस तरह से। देखिए, जैसे कि ये है 1, 2, 3, 4, 5 कुछ ऐसे आपके वायरिंग मिलेंगी। इस वायरिंग को आपको किस तरह से मोटर के साथ अटैच करना है, किस तरह से आपको इसमें से बजर की वायर निकालनी है और किस तरह से आप इसमें न्यूट्रल और फेज दे सकते हैं, तो वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ये देखिए, इस तरह से इसमें दो आपको वायर मिलेंगे, एक येलो और ब्लू कलर की, कुछ इस तरह से येलो और ब्लू कलर की दो वायर मिलेंगी। उनको आपको, जो आपकी मोटर है वो सेम वायर आपको अपनी मोटर में मिलेंगी। आप अगर इसकी कॉमन CSR निकालोगे तो ये देखिए, जो इसकी ब्लैक है वो कॉमन है और बाकी इसकी रनिंग और स्टार्टिंग आपको सेम वैल्यू में मिलेगी। तो यहाँ से देखिए, जो अपनी येलो वाली वायर है टाइमर की, उसको यहाँ से हम कनेक्ट करके और अपनी येलो वायर के अंदर कनेक्ट कर देंगे पहली वायर। जो दूसरी ब्लू कलर की वायर है उसको यहाँ से लेंगे और ब्लू कलर की वायर की वायर टाइमर और मोटर की जो सेम कलर की कोडिंग की वायर होगी, ब्लू से ब्लू और ब्लैक से ब्लैक और येलो से येलो हम कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए, जो हमने अभी इसके अंदर जो वायर दो कनेक्ट करी है, उससे हमारा जो मोटर के अंदर क्या है, फेज जाएगा। और उसके बाद हमारा बचता है 10 mF का कैपेसिटर जो हम इसके अंदर यूज करते हैं। तो जो हमारा 10 mF का कैपेसिटर है, एक वायर हम उसकी ब्लू जो ब्लैक है उसके साथ अटैच कर देंगे और जो दूसरी वायर होगी अपनी, ये देखिए दूसरी वायर है जो, वो येलो के साथ अटैच कर देंगे। तो हमारी जो मोटर है उसको फेज मिल चुका है। इसमें हमने दोनों साइड इसलिए दिए हैं, कैपेसिटर इसी लगाया है येलो और ब्लू के अंदर, क्योंकि ये जो वॉश मोटर है वो आपकी दोनों साइड घूमती है, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। तो जो अपना टाइमर होगा वो एक बार अपनी येलो वाली जो वायर है उस पे वो करंट फ्लो करेगा, और उसके बाद जो ब्लू वाली है एक बार उस पे, एक बार येलो और ब्लू, मतलब ऐसे ऐसे ये करता रहेगा। तो उसके बाद जो अपना बचा है मेन मोटर है, जो ये देखिए मोटर के अंदर एक ब्लैक वायर और होगी जो कि हमें अपने टाइमर की ब्लैक वायर के साथ अटैच कर देनी है। तो इससे जो अपना ये मोटर थी, इसके कनेक्शन हमारे हो गए हैं, क्योंकि मोटर में जो हमारी कॉमन थी ब्लैक, उसको हमने यहाँ से जो टाइमर की ब्लैक वायर थी उससे यहाँ पे कनेक्शन उसको दे दिया मोटर को, और जो अपनी मोटर के साथ ब्लू वायर थी, जो टाइमर की ब्लू वायर थी उसको हमने यहाँ से कनेक्शन दे दिया है, और जो टाइमर की येलो वायर थी और मोटर की जो येलो वायर थी उसको हमने यहाँ से कनेक्शन दे दिया है। उसके बाद इसके अंदर एक हमने 10 mF का कैपेसिटर भी आपको दिखा दिया किस तरह से आपको जुड़वा है। अब जो मेन रह गया हमारा जो टाइमर है उसके अंदर हम सप्लाई कैसे देंगे, मतलब टाइमर को जब तक सप्लाई नहीं मिलेगी जब तक वो चलेगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी एक मोटर लगी हुई है टाइमर के अंदर। तो उसके बाद दोस्तों आपको जो बचेगा, आपके पास बचेगी एक रेड वायर एक लाइट ब्लू वायर, देखिए कुछ इस तरह की एक रेड और एक लाइट ब्लू वायर, और जो आपकी एक ब्लैक है, आपके पास ये 2-3 तरह की वायर बचेगी। जो आपकी जो रेड वायर है उसको आपको मेन जो आपकी सप्लाई होगी उसके अंदर फेस के अंदर इसको लगा देना है, जो रेड वायर होगी, और उसके बाद जो ब्लैक वायर है आपकी, ये वाली वायर है जो, इसको हम बना देंगे न्यूट्रल, मतलब कि जो हमने टाइमर है उसके अंदर फेस और न्यूट्रल दोनों चीज हमने यहां से दे दिए। देखिए, जो ब्लैक वायर थी उसके अंदर हमने न्यूट्रल दे दिया है और जो रेड वायर थी उसके अंदर हमने फेस अटैच कर दिया है। तो जो अपना टाइमर है उसको, उसके पीछे एक मोटर लगी हुई है, वहां पे हमने न्यूट्रल और फेस दे दिया है, जिसकी वजह से ये नोब हमारी ये काम करती है। और उसके बाद इसमें एक लास्ट ऑप्शन बचा है लाइट ब्लू,
जो लाइट ब्लू कलर की वायर होगी उसको आपको बजर के साथ अटैच कर देना है। अगर आप ये बजर के साथ इसको अटैच कर दोगे तो यहाँ पे हमारा बजर भी बजने लग जाएगा और जो अपने कनेक्शन है पांच वायर गोस्ट टाइमर के वो भी आसानी से हो जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो मैं इसके एक आपको प्रैक्टिकल वीडियो करके दिखाता हूँ, उसके अंदर हम आप दिखाएंगे किस तरह से आपको इसके कनेक्शन करने हैं और किस तरह से आप मोटर को राइट लेफ्ट चला सकते हैं। ये चीज मैं आपको दो उसमें दिखाऊंगा, पहले हम आपको सीरीज में करके दिखाएंगे कि सीरीज में ये मोटर राइट लेफ्ट घूमती है या नहीं घूमती है, या फिर पैरेलल पैरेलल में मोटर है जो वो राइट लेफ्ट घूमती है। तो चलिए अब मैं आपको एक इसकी प्रैक्टिकल वीडियो कर दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अपना ये 10 वोल्ट का यहाँ पे एक कैपेसिटर हमारे पास ये कुछ इस तरह का, और ये अपना टाइमर है जैसे कि मैंने दिखाया था आपको सेम कलर कोडिंग, और 3, 4, 5 वायर का ये अपना टाइमर है। ये अपनी मोटर है, देखिए यहाँ पर जैसे कि सेम कलर कोडिंग मैंने आपको बताई थी उस तरह की है ये। तो अब ये देखिए हम इसके कनेक्शन बताते हैं आपको किस तरह से करनी है, बड़ा आसानी से आप इसके कनेक्शन कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया, पहले बताया था वीडियो के अंदर, पहले हम सबसे पहले इसकी जो मोटर है उसके कनेक्शन करेंगे। तो उसके लिए हमें इसमें चाहिए ये देखिए एक येलो और ब्लू कलर की वायर, इन दोनों को हम जो मोटर की अपनी येलो और ब्लू कलर की वायर है उनके साथ अटैच कर देते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे लिया और इसको अटैच कर दिया यहाँ पर, और जो अपनी दूसरी है जो ब्लू कलर की वायर, ये मोटर के साथ ब्लू कलर की वायर को भी अटैच कर देते हैं, मोटर और टाइमर की दोनों एक साथ। ये देखिए कुछ इस तरह से आपको करना है। ये देखिए मोटर और उसके बाद जो अपनी बची है एक ब्लैक कलर की वायर है, ये देखिए मोटर की ब्लैक कलर की वायर और ये टाइमर की ब्लैक कलर की वायर। हमारे पास थोड़ी वायर छोटी थी तो इसलिए हमने इसका एक इसमें जॉइंट दिया है। ये देखिए कुछ थिम्बल हमने यहाँ पे इसलिए लगाया। ये देखिए जो अपना टाइमर है, टाइमर की और मोटर की, और ये हमने एक कॉमन निकाली है वायर को एक्स्ट्रा करने के लिए। यहाँ पर देखिए जो हमारे पास तीन वायर के कनेक्शन हो चुके हैं अपने ब्लू येलो और ब्लैक, अब हमारे पास बची है दो वायर, एक रेड कलर की जो कि देखिए कुछ इस तरह से है और एक बजर के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपको इनके कनेक्शन करनी है, या आपने देखा किस तरह से कनेक्शन किए हैं, उसके बाद अब हम इसके अंदर मेन सप्लाई। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था एक रेड कलर की होगी मेन सप्लाई और एक ब्लैक कलर की होगी, तो हम इन दोनों के अंदर ये देखिए हमारे पास टेस्टिंग लीड है और ये अपना सीरीज पैरेलल बोर्ड है हमारे पास एक, हमने जो रेडी किया हुआ है उसकी मदद से हम पहले इसको सीरीज में चलाएंगे उसके बाद पैरेलल में चला के चेक करेंगे। तो हम देखिए सबसे पहले इसको सीरीज में कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ से टेस्टिंग लीड लगाएंगे और ये हमने चालू कर दिया है वहां से अपना सिस्टम। तो देखिए उससे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं, ये देखिए ये सीरीज में है इसलिए हमारा बल्ब जल रहा है, तो भी हम इसको इसके कनेक्शन देंगे। देखिए कुछ इस तरह से, जैसा कि मैंने आपको बताया था रेड के जो रेड है उसमें हमारा फेस चला जाएगा ये, और जो ब्लैक है उसके अंदर हमारा न्यूट्रल चला जाएगा, ये देखिए कुछ इस तरह से। तो अपना जो फेस और न्यूट्रल था मैंने बताया था वो हमारा इस सिस्टम के अंदर आ चुका है, और देखिए यहाँ पर हमने मोटर के भी रनिंग स्टार्टिंग और कॉमन को भी हमने जोड़ दिया है। अब हम उसके बाद हमारा लास्ट है एक कैपेसिटर, हम इसको कैपेसिटर को भी यहाँ से जॉइंट करने से पहले हम अपनी एमसीबी को यहाँ से डाल लेंगे, और उसके बाद हम अपने जो कैपेसिटर था वो एक कॉमन और एक येलो के साथ हमने अटैच कर देना है। ये देखिए कुछ इस तरह से, देखिए हम सेफ्टी के लिए इसके अंदर पहले टेप लगाएंगे जिससे कोई दुर्घटना ना हो, तो आपको सेफ्टी का हमेशा ध्यान रखना है। आप कोई भी काम करें पहले उसके अंदर सेफ्टी का यूज करें और उसी के बाद काम को लेकर आगे बढ़े। ये देखिए, और अभी हम जो अपनी येलो वायर है उसके ऊपर भी थोड़ा सा टेपिंग कर देते हैं जिससे कि हमें कोई करंट वगैरह ना लगे या कोई दुर्घटना होने का
कार्य ना बने, तो उसके लिए हमने ये देखिए अभी हम इसको थोड़ा टेम्परेरी कर रहे हैं, तो भी हमें ये वीडियो में दिखाना आपको। तो ये देखिए ये हो चुका है और हम अब दोबारा से अपने मुझे उठाते हैं देखिए। और मैं जैसे ही अपने टाइमर को ये देखिए इसमें ये नॉर्मल हैवी का है, नॉर्मल हैवी डेलीगेट्स का ये अपना टाइमर है। जैसे ही मैं इस टाइमर को ऑन करता हूँ ये देखिए, जैसे मैंने टाइमर ऑन किया यहाँ पर जो अपनी मोटर है वो देखिए आपको दिख रहा होगा, या मैं एक मिनट इसके लिए व्यवस्था करते हैं अभी। ये देखिए इससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये देखिए जैसा कि आपने देखा अपनी मोटर चल रही है, क्योंकि अभी ये जो हमने कनेक्शन किए हैं ये है सीरीज में। ये देखिए मोटर राइट और लेफ्ट दोनों साइड वर्क कर रही है। हम देखिए अब इसको हम थोड़ा सा ये देखिए डेलीगेट मोड में डाल देते हैं, तो आपको कुछ इसकी जो टाइमिंग है राउंड इसकी वो बढ़ जाती है। ये देखिए आपने देखा एक साइड कितनी देर के लिए चल सकती है। ये देखिए तो ये होता है सिर्फ मोटर्स की जो हमारी इसका जो टाइमिंग होती है, रनिंग पावर होती है, जैसे जितने टाइम के लिए हम इसको चलाते हैं उसको थोड़ा सा बढ़ाने के लिए। ये देखिए अब इतना काफी टाइम से एक ही साइड चल रही है अपनी, और हम देखिए इसको दोबारा से नॉर्मल मोड में कर देते हैं। ये देखिए ये दोबारा से स्टार्ट हुई और राइट और लेफ्ट दोनों साइड ये चलती रहेगी जब तक ये हमारा टाइमर खत्म नहीं होगा, जब तक ये ऐसे ही राउंड राइट लेफ्ट राउंड लेती रहेगी और चलती रहेगी। जैसे ही हमारा टाइम मतलब खत्म होगा इसका, ये हमारे पास बजट के लिए है, इस बजट में सप्लाई जाएगी और आपको आपने जैसे यूज किया होगा वॉशिंग मशीन के अंदर आपको उसके अंदर एक बजर की साउंड मिली होगी, जिससे कि वो ओके बिल्कुल जैसे कि बजर साउंड करते हैं उस तरह से बंद हो जाता है। बाकी देखिए दोस्तों हमने आपके सामने इसका पूरा प्रैक्टिकल आपको रुक करके दिखा दिया है कि किस तरह से आप मोटर के कनेक्शन कर सकते हैं और पांच टायर का जो वॉश टाइमर होता है उसके किस तरह से कनेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और इस तरह की वीडियो को आगे देखने के लिए हमें आपको लिंक दे सकते हैं जिस पर्पज पे आपको वीडियो बनवानी है, हम उस पर भी आपको आपके लिए वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। जय हिंद जय भारत।